हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानने से पहले, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हिट लाइक टू दिस वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशनल बेस्ड हैं। लाइक मान लो कि आपके पास एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप मान लो कि आपको ये कंडीशन भी ट्रू चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तो उस केस में आप एंड लगाओगे, या ये दोनों में से एक, तो और कंडीशन लगाओगे। और नॉट कंडीशन लगाओगे कि ये नहीं हो सकता। सपोज मान लो कि आप, अभी एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं आपको, आपको क्लियर हो जाएगा मैं बात किसकी कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है, मैंने यहाँ पे काउंट लगा दिया है। ठीक है, अब इसमें काउंटर की वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक है, अब 10 की अब इसने लिखा है कि 10 अगर नहीं है 10 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है द फर्स्ट दिस ऑपरेटर रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल। ठीक है, एंड द सेकेंड वन नेगेट्स दैट द रिजल्ट एंड रिटर्न्स द रियल बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले जो हमारे पास ऑपरेटर है वो तो एक बुलियन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है जो कि 10 है। जो सेकेंड टाइम्स हमने नेगेट्स का यूज़ किया है उसमें क्या कर रहा है कि जो हमारा रिजल्ट है उसको रिटर्न कर रहा है एक बुलियन वैल्यू ऑफ द काउंटर वैल्यू। ठीक है, कई जगह पे देखा होगा आपने डबल एक्सक्लेमेटरी साइन लगे होते हैं, ठीक है, डबल नॉट लगे होते हैं, तो उसका मतलब यही है कि जो पहला ऑपरेटर रिटर्न, अगर देख लेते हैं अभी हम यहीं पे एक वो कर लेते हैं, कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैंने सीधा ये प्रिंट किया नॉट काउंटर, ठीक है, मैंने एक ही प्रिंट किया तो आउटपुट क्या आएगी? ठीक है, मतलब कि कंसोल डॉट लॉग काउंटर कि मेरी जो काउंटर की वैल्यू है वो क्या है? 10 नहीं है, तो क्या रिटर्न किया इसने? फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, अगर मैंने इसको लगा दिया डबल तो इसने क्या कर दिया? इसको ओवरराइड। ठीक है, तो अब क्या प्रिंट होगा इसमें? ट्रू, क्योंकि पहली बार जब मैंने ऐड किया था वो एक्सक्लेमेटरी, इसका मतलब कि नॉट, अगर दूसरी टाइम ऐड कर दिया तो मतलब क्या होगा? ट्रू होगा। तो इस बेटर है कि आप सिंगल वाला ही यूज करो। कई कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए तब मेरा ये चल जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या यूज कर सकते हो आप? नॉट यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर हमारा क्लियर हो गया। और ऑपरेटर के बारे में हम थोड़ा सा और डीप चले जाते हैं, और ऑपरेटर मैंने बताया नहीं है, तो एक ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक एग्जांपल है जो कि मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर ही राइट करूंगा। तो कहाँ गया हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस? गिरा, कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल वी। ठीक है, तो हम ये रिटर्न करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ठीक है, तो ट्राई, पहले पहला ऑप्शन है कि इसने लिखा कि कंसोल डॉट लॉग हैज ड्राइवर लाइसेंस एंड हैज गुड विजन। इसके पास ड्राइवर लाइसेंस भी होना चाहिए और गुड विजन भी होना चाहिए। तो पहले में ट्रू, दूसरे में ट्रू, ऑब्वियसली बात है आंसर क्या आएगा हमारे पास? ट्रू, राइट। दूसरे में देखा कि ड्राइविंग लाइसेंस और गुड विजन दोनों में से एक होना चाहिए, ऑब्वियस बात है ट्रू आएगा। नेक्स्ट है, अगर तो ड्राइवर लाइसेंस और गुड विजन है तो क्या आएगा? दिस सारा इज एबल टू ड्राइव, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी? सारा इज एबल टू ड्राइव, राइट। ये वाला ऑप्शन मैं भूल गया, इसलिए लिखा हैज ड्राइवर लाइसेंस। तो आप देख सकते हो ड्राइवर लाइसेंस तो है, ट्रू है, बट मैं यहाँ पे नॉट लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये डबल एंड कंडीशन लगा दी, डबल एंड कंडीशन ट्रू। अगर मैं सपोज मान लो कि हैज गुड एंड विजन को मैंने फॉल्स लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे और कंडीशन लगा दी, ठीक है, तो अब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है ही है, तो सारा इज एबल टू ड्राइव आना चाहिए, राइट। मैं रिलोड कर दूं, सारा इज एबल टू ड्राइव अगेन स्टिल देयर, राइट। तो और कंडीशन मीन्स दोनों में से एक, एंड मतलब दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, नॉट मतलब कि ये कंडीशन नहीं है। अगर सपोज मान लो कि आपने लिखा 10, नॉट लगा दिया है, दैट मीन्स फॉल्स आएगा। अगर आपने नॉट नहीं लगाया, दैट मीन्स वो 10 के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो ट्रू आएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैं आगे और चेक कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या राइट डाउन किया है। ये वाला कंडीशन लिख लिया मैंने, ठीक है। ये कंडीशन भी बता दी, मल्टीपल एंड कंडीशंस के साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, इस टायर्ड का भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन डाल देता हूँ और एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, दिस वन। तो आप चेक कर लेते हैं, रिलोड कर लेते हैं क्या क्या प्रिंट हुआ। समवन एल्स शुड ड्राइव, क्योंकि इज नॉट टायर्ड लिखा है मैंने, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स है। तो अब क्या होगी, ट्रू होगी। तो मैं ये वाली कंडीशन को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और चेक कर लेते हैं। अब इसमें हैज ड्राइवर लाइसेंस, ट्रू है, हैज गुड विजन, फॉल्स था, ठीक है। मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। नाउ क्या आ गया, सारा इज एबल टू ड्राइव, क्योंकि इस टायर ऑलरेडी क्या है, फॉल्स था, बट अगर नॉट लगाया तो ये अब क्या होगा, फॉल्स से ट्रू हो गया, तो अब इसके कंसोल के अंदर चला गया। तो मल्टीपल एंड कंडीशंस और नॉट यू कैन यूज एनी टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं एंड का और का, नॉट का। तो अगर कोई भी इशू है, कोई क्लियरेंस नहीं है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं सारी चीजों का। नॉट ऑपरेटर जो होता है हमेशा नेगेट्स कर देता है एक बुलियन वैल्यू को, उसका उल्टा करेगा और डबल वाला कन्वर्ट कर लेगा उसकी रियल वैल्यू में, ठीक है। तो जो उसकी रियल वैल्यू थी वही प्रिंट होगी, ठीक है। एंड ऑपरेटर जो होता है वो दो बुलियन वैल्यूज को के लिए यूज होता है और रिटर्न करता है ट्रू अगर दोनों वैल्यूज क्या करती हैं, ट्रू होती हैं। और ऑपरेटर्स दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू होगी वो रिटर्न करेगा ट्रू। बोथ एंड एंड और ऑपरेटर्स आर शॉर्ट सर्किटेड, दे कैन ऑल्सो अप्लाई टू द नॉन बुलियन वैल्यूज, ठीक है। उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेटर्स। अगर कोई क्वेरी, कोई इशू, कुछ से समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।